तो वहीं गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक और बयान सामने आया। उन्होंने कोरोना पर भी जानकारी दी। इसके साथ उन्होंने कमलनाथ सरकार को घेरते हुए कहा कि एक तरफ जहां कमलनाथ जी ट्वीट से जनता के आंसू पोंछ रहे, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज जनता के बीच जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी जब चुनाव परिणाम आ रहे थे ना नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, तब कमलनाथ जी ने कहा था मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है। जब जनता पे आपत्ति आई, विपत्ति आई, तो वो हेलीकॉप्टर कहां चला गया? उस तैयार हेलीकॉप्टर से इस आपदा के समय क्या कमलनाथ जी को नहीं जाना था? क्या ट्वीट से जनता के आंसू पहुंचना चाहते हैं वो? मुख्यमंत्री पानी के अंदर उतर रहे हैं, गांव के अंदर उतर रहे हैं, बाढ़ के लोगों के बीच में जा रहे हैं। कमलनाथ जी घर पे और उल्टे लोगों को बुला रहे हैं जिससे वो बाढ़ में नहीं चले जाए जनता की सेवा में। ये कांग्रेस की स्थिति है। देखिए, आरबीआई के गाइडलाइन को पालन किए बिना अगर कोई ऐप चल रहा होगा तो ऐसे जो भी लोन के ऐप हैं इन सब पर मैंने आज साइबर क्राइम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्दी से ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करें जो गाइडलाइन का पालन किए बिना ये ऐप लोन का चला रहे हैं, लोन दे रहे हैं। अगर ये गाइडलाइन के बिना होंगे, बिना कानूनी प्रक्रिया के होंगे, तो इनकी जगह फिर जेल में होगी और इन सब पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी भी 10 मार्ग हमारे बंद हैं मध्य प्रदेश के, और सभी लोगों से प्रार्थना है कि कोई रिस्क न लें इन 10 मार्गों पर। श्योपुर कोटा, श्योपुर बारा, सोपर सवाई माधोपुर, चंदेरी ललितपुर, भोपाल नागपुर, विदिशा अशोकनगर, कुरवाई बीना, होशंगाबाद पिपरिया, ऐसे 10 मार्ग, रायसेन सांची, होशंगाबाद हरदा, ऐसे 10 मार्ग अभी भी बंद हैं। और है कि अभी इस पर कोई रिस्क न लें, थोड़ी प्रतीक्षा करें, चूंकि अभी बारिश 24 घंटे से थमी हुई है और पानी तेजी के साथ नीचे उतर रहा। कल कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल जी का इस्तीफा आया कांग्रेस। परसों नरसों आनंद शर्मा जी ने कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दे दिया। एक हफ्ता पहले गुलाम नबी आजाद ने अपने पदों से आजादी ले ली। मेरे ख्याल से कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाएं तो ज्यादा अच्छा है। भारत जोड़ो की चिंता राहुल गांधी नहीं करें, भारत पूरी तरह से संगठित है, मुट्ठी की तरह मोदी जी के नेतृत्व में आगे। तो वहीं कमलनाथ ने कल ही कांग्रेस के सभी विधायकों की बैठक बुलाकर 2023 की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए थे, जबकि कल कमलनाथ सख्त भी नजर आए और उन्होंने सभी नेताओं को सतर्कता से काम करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब कांग्रेस एक विधायक ने दूसरे विधायक नेताओं को कमलनाथ के मुकाबले कम एक्टिव बताया। तो एक अन्य विधायक का कहना है कि कांग्रेस अभी बीजेपी को काउंटर नहीं कर पा रही। दरअसल कल कमलनाथ ने कांग्रेस के विधायकों को नसीहत देते हुए जमीन पर रहकर लोगों के मुद्दों को उठाने के निर्देश दिए थे। कमलनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जो लोग पद पर रहते हुए काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें पद से मुक्त किया जाएगा। लेकिन कमलनाथ की नसीहत के बाद कांग्रेस विधायक अब एक दूसरे को ही नसीहत देने में लग गए हैं। भोपाल से अगली खबर है, जहां नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस बचाओ यात्रा है। लोग कांग्रेस को छोड़कर लगातार जा रहे, कांग्रेस अब पार्टी बचाने की कोशिश में लगी हुई है। भारत को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, अब कांग्रेस के साथ जो हो रहा ये उनके ही किए गलत कामों का परिणाम है। इसके लिए भी हमने कल लिखा हुआ है, हाउसिंग बोर्ड की कुछ इमारतें जर्जर हो गई है और इसको हमने लिखा हुआ है, इसको जो परिवार इसमें रह रहे हैं डिसमेंटल करके इसको नए सिरे से बनाए, उन परिवारों को भी दें और उसके साथ साथ जो अतिरिक्त फ्लैट होंगे तो वो बाकी लोगों को भी हाउसिंग बोर्ड उपलब्ध कराए, ये निर्देश कल हमने दिया।
भोपाल में 304 करोड़ के कारम डैम टूटने की जांच रिपोर्ट पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब तक ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गई है, आगे कानूनी कार्रवाई कर दोषियों को जेल भी भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री के पूरे एक एक पल के संज्ञान में मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सोसाइटी की रिपोर्ट आने के बाद जो रिपोर्ट आएगी इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। जो दोषी को कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे अधिकारी। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का डैम बनाया था बीजेपी ने, इसे फूट गया, वो मुआवजा कब देंगे? एक बात सुनो, यही तो उनको मैं भ्रम दूर करना चाह रहा हूँ कि कोई भी मध्य प्रदेश में नहीं डैम फूटा, ये बात निराधार और असत्य है। जो कारण डैम की जो आप बोल रहे हो कि डैम फूट गया, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के और धार जिले के सभी भाई और बहनों से अनुरोध करता हूँ, जो निर्माणाधीन डैम था उसको हमने लेफ्ट और राइट से चैनल बनाकर, जो कि पानी का निकास करना था, छोटी नहर कट किया था उसके माध्यम से हमने पानी निकाला। पहला संकल्प हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का था, कोई भी जनहानि नहीं हो, कोई भी पशु हानि नहीं हो, इसमें हमारी रणनीति सफल हुई। अब तकनीकियों के उनके दिशा निर्देश में मैं सोचता हूँ कि इस आपदा कमेटी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं कहता हूँ कि सबसे सर्वश्रेष्ठ नीति अपनाई गई, कोई भी जनहानि नहीं हुई, कोई भी जो 18 गांव थे, मैं आपको बता दूँ एक भी